उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 को बनाए जाने के खिलाफ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1995 की बजाय 2015 के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट बनाने के लिए कहा था। राज्य सरकार भी इस बात पर सहमत हो गई थी। इसके विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी वो सीताराम बिस्वा के दिलीप कुमार ने अपने वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया की मदद से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुरानी रिजर्वेशन लिस्ट पर रोक लगाते हुए 2015 को आधार वर्ष बनाकर चुनाव कराने का निर्णय सुनाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 2015 को आधार बताते हुए सीटों का आरक्षण लागू किया जाए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें नामांकन प्रक्रिया की तारीखों को चुनाव आयोग ने कब कब किया है। 3 अप्रैल से शुरू होगी पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया। दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन किया जाएगा, तो वहीं तीसरे चरण में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन होगा। वहीं चौथे चरण के लिए, जो चौथा चरण चुनाव का होगा, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होगी। आपको बता दें कि मतदान जो होना है वो 4 चरणों में होना है, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल। 2 मई को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।